से हे गाइस एंड वेलकम टू द चैनल अगेन। एंड लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे किस तरीके से हम लोग सीरियलाइजर क्रिएट कर सकते हैं एंड गेट एपीआई हमने बनाया था विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एपीआई डेकोरेटर। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हम लोग कैसे एपीआई व्यू को यूज़ कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ये भी सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग पोस्ट, पैच या फिर अपडेट की जो एपीआई होती है एंड डिलीट, इन सारी एपीआईज को बनाना सीख सकते हैं। ओके सो अभी तक लाइक टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, हमने क्या क्या सीखा हुआ है इसको मैं आपको बता देता हूँ अगेन। सीरियलाइजर सीखा है, जिसने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो वो जाकर के चेक कर लेगा तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो में हम लोग क्या एजेंडा है हमारा, एजेंडा इज टू लर्न टू क्रिएट पोस्ट और अपडेट, पुट पैच बोथ एंड उसके बाद में डिलीट विद द हेल्प ऑफ एपीआई व्यू। ओके सो एपीआई व्यू के साथ हम लोग ये सारी चीज़ें क्रिएट करने वाले हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट API डेकोरेटर भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। तो API व्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। सो API व्यू जो होता है Django REST फ्रेमवर्क के अंदर, वो एक क्लास होती है। एंड जब एक क्लास होती है तो उसके अंदर कुछ सेट्स ऑफ मेथड ऑलरेडी होते हैं, क्योंकि जैसे अगर आप कोई क्लास बनाते हो तो उसके अंदर कुछ मेथड्स आप ऑलरेडी बिल्ड करके रखते हो ना, तो उसके अंदर भी आपको कुछ मेथड्स मिल जाते हैं जो कि ऑलरेडी होते हैं बट हमें उसको ओवरराइड करना होता है। जैसे आपको गेट मेथड मिल जाता है जिसको आप ओवरराइड कर सकते हो, गेट हो गया, उसके बाद में आपका पोस्ट हो गया, उसके बाद में आपका पुट हो गया, फिर आपका हो गया पैच हो गया एंड उसके बाद में आपका डिलीट हो गया। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। अब जैसे जब आप एक एंड पॉइंट को रिक्वेस्ट करते हो, जैसे ये आपका क्लाइंट है ओके एंड ये आपका सर्वर है ओके, सो ये क्लाइंट सर्वर के ऊपर किस क्या क्या रिक्वेस्ट भेज सकता है। पहली बात, ये गेट रिक्वेस्ट भेज सकता है, दूसरी ये पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकता है जब इसको डेटा भेजना होगा। गेट रिक्वेस्ट का मतलब होता है जब आप सर्वर से डेटा मंगवाते हो, पोस्ट का मतलब होता है जब आप सर्वर को डेटा भेजते हो, पुट का मतलब ये होता है कि आप सर्वर में कोई चीज़ अपडेट करना चाहते हो, मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग डेटा है उसको कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो। पैच का भी सेम मतलब होता है बट उसको भी हम आगे देखेंगे जब हम लोग अपडेट का होता है। सेम चीज़ होती है, बस इसमें थोड़ा सा एक चीज़ होती है, ट्विस्ट होता है जो कि इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड डिलीट रिक्वेस्ट आप तब भेजते हो जब आपको कोई डिलीट रिकॉर्ड करना पड़ता है। एंड ये सारे मेथड्स आपको पोस्टमैन में भी मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर जाओगे तो आप देखो कितने सारे आपको मेथड्स मिल रहे हैं यहाँ पे, गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, पैच हो गया, डिलीट हो गया, हेड और ऑप्शंस मेथड। वो होता है कि इस वाली API के एंड पॉइंट पे आपको कौन कौन से यू कैन से पुट पैच मतलब कौन कौन से लाइक मेथड्स अवेलेबल हैं, उन सारी चीज़ों को ये बताता है। जैसे अब मैं अगर सर्वर स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे जा करके इस पे एंड मैं लिखता हूँ क्या पाइथन मैनेज डॉट पी वाई एंड रन सर्वर एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हमने जो एंड पॉइंट बनाया था इस तरीके वाला API था ना, API के बाद में ये API को हम लोग स्लैश कर लेंगे। तो API के बाद में हमारे पास में गेट ट्रांजेक्शन्स करके एक वो था ना, तो हम गेट ट्रांजेक्शन्स करेंगे स्लैश डाल देंगे तो हमारे पास में डेटा आ रहा है। अब इस एंड पॉइंट को हम जाकर के पोस्टमैन पे अगर हम ट्रिगर करेंगे एंड यहाँ पे ऑप्शंस के साथ में ट्रिगर करेंगे तो यहाँ पे देखो कि ये क्या दे रहा है कि आपके इस वाले एंड पॉइंट पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। नेम इसका गेट ट्रांजेक्शन्स है, ये रेंडर क्या करता है एप्लीकेशन या फिर JSON डेटा को रेंडर करता है, उसके साथ में ये होता है। अगर ये मल्टीपल सेम जो आपकी एंड पॉइंट है ये मल्टीपल चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा होता लाइक गेट पोस्ट पोस्ट पुट पैच, तो फिर ये सारी चीज़ें होती जो कि हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं गेट और इसके अंदर लिख देते हैं क्या पोस्ट, ठीक है। नाउ अगेन इसको हिट करते हैं तो आई होप यहाँ पे दिखा नहीं है बट फिलहाल ही आपको दिखाता है मेथड ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल होते हैं। नाउ हम देखने वाले हैं कि API व्यू क्या होता है। तो API व्यू को अगर आपको यूज़ करना है तो डेफिनेटली आपको इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने Django REST फ्रेमवर्क की डॉक्यूमेंटेशन में, ट्यूटोरियल में जाएंगे, यहाँ पे आपको API गाइड में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको व्यूज़ मिल जाएगा। एंड यहाँ पे API व्यू को अगर आपको इंपोर्ट करना होगा तो क्या आप लिखने वाले हो, फ्रॉम REST फ्रेमवर्क डॉट व्यूज़ इंपोर्ट करेंगे API व्यू को। ओके API व्यू को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं API व्यू के अंदर रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए एंड पॉइंट लिखने वाले हैं। सो क्लास लिखेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे क्या चीज़ लिख सकते हैं, जैसे ट्रांजैक्शंस के लिए API बना रहे हैं, सो ट्रांजैक्शंस API करके हमने एंड पॉइंट लिख दिया एंड इसके अंदर हम लोग API व्यू पास कर देंगे। अब इसके अंदर हमें जो मेथड्स चाहिए होंगे, जैसे अगर मेरे को यहाँ पे गेट मेथड चाहिए तो मैं यहाँ पे डेफ गेट लिखूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे गेट लिखूंगा एंड सेल्फ के बाद में यहाँ पे रिक्वेस्ट पास करूंगा तो ये गेट मेथड कॉल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न लिखता हूँ, रिटर्न रिस्पॉन्स और यहाँ पे लाइक मैं वो लिख देता हूँ मैसेज दिस इज अ गेट
मेथड ओके। उसके बाद में अब मैं यहाँ पे अगर पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या दिखाएगा, पोस्ट दिखाएगा, पोस्ट, दिस इज अ पोस्ट मेथड। सेम उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे और भी चीज़ें, और भी मेथड्स को लिख लेता हूँ, लाइक जैसे मैं यहाँ पे अगेन जाता हूँ एंड यहाँ पे पुट लिख लेता हूँ, या फिर पैच अगर आप चाहो तो पैच भी लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे पैच अगर लिख लेता हूँ तो यहाँ पे पैच दिखाएगा, पैच, दिस इज अ पुट एंड दिस इज अ पैच मेथड। नाउ लेट्स गो एंड लेट्स, हाँ इसको हमें वो लाइक एंड पॉइंट में रजिस्टर भी तो करना पड़ेगा तभी हम यूज़ कर पाएंगे। तो अब हम जाते हैं अपने यू आर एल्स में जो कि हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में कंसिडर किया था इस चीज़ को। तो यहाँ पे जाएंगे एंड अब देखो हमारे सारे एंड पॉइंट लाइक गेट, पोस्ट, पुट, पैच, लिस्ट सारे एंड पॉइंट एक ही में हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस लिख देंगे एंड इसके अंदर हमारे सारे एंड पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ओके नाउ एपीआई एंड इसके साथ में हमें यहाँ पे एक एज व्यू भी लिखना होता है क्योंकि देखो ये एक क्लास है, इस क्लास के अंदर एक मेथड होता है दैट इज कॉल्ड एज व्यू जो इसको एज अ व्यू की तरह रेंडर करता है। अदरवाइज एक क्लास है, ये क्लास के अंदर कई सारे फंक्शंस है ना उसको ये एज अ व्यू की तरह रेंडर करवाता है। जैसे ये गेट ट्रांजैक्शन है, ये ऑटोमेटिकली आपका एक मेथड है, बट हमें क्या करना है इस क्लास के अंदर के मेथड्स को रेंडर करवाना है ना। तो एज व्यू जो है वो आपका जो मेथड है इस वाले क्लास जो एपीआई व्यू के अंदर ये अवेलेबल रहता है, ये आपके ऑटोमेटिकली सारे जो व्यूज के अंदर आपने जो भी लॉजिक लिखा होगा उसको ये फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे करते हो, ये क्या है, एक फंक्शन लिखा हुआ है ना, बट अब ये तो मैं क्लास बना दूँ तो मुझको इस क्लास के अंदर के मेथड्स को मुझे क्या करना है, फंक्शन की तरह बिहेव करवाना है, मतलब ट्रिगर पॉइंट्स की तरह बिहेव करवाना है। तो यहाँ पे एज व्यू आप कॉल कर दोगे। नाउ यू अंडरस्टूड, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम यहाँ पे जैसे हमने ये एंड पॉइंट बनाया हुआ है सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे ट्रांजैक्शंस करके कॉल करवाने वाले हैं। तो जैसे मैं ट्रांजैक्शन कॉल करूंगा, देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दिस इज अ गेट मेथड। नाउ वी आर, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम यहाँ पे पोस्ट मेथड कॉल करवाएंगे। अब देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे लिखा पोस्ट एंड नाउ वी आर गोइंग टू हिट दिस, दिस इज अ पोस्ट मेथड। सेम उसी तरीके से अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, पुट करूंगा, नाउ दिस इज अ पुट मेथड। उसके बाद मैं यहाँ पे पैच करूंगा, सो दिस इज अ पैच मेथड। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ओके तो मैंने यहाँ पे अभी तक अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ कि क्या चीज़ें करी हुई हैं। ट्रांजैक्शंस करके मैंने एक क्लास बनाई, इसके अंदर मैंने एक एपीआई व्यू लाइक क्लास पास कर दिया बेस क्लास। अब जो एपीआई व्यू होता है इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं लाइक जो कि हमें ओवरराइड करने होते हैं, लाइक गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, पैच हो गया, डिलीट हो गया, ये सारे कुछ पांच मेथड्स होते हैं जिनको हमें मेंशन करना होता है। मैंने सबको मेंशन करके उसके बाद में जो जो रिस्पेक्टिव मेथड है उसका मैंने मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे पैच करोगे तो ये वाला मेथड कॉल करने वाला है एंड ये जो मेथड है ये क्या रिटर्न कर रहा है, दिस इज अ पैच मेथड। तो ये सक्सेसफुली ये दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो पुट मेथड कॉल होने वाला, तो ये दिस इज अ पुट कॉल करना है। तो आपको समझ में आ गया कि क्या कैसे काम करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप में से बहुत सारे लोग जैंगो सीखना चाहते होंगे, जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क सीखना चाहते होंगे एंड 2% ऑफ द जैंगो डेवलपर बनना चाहते होंगे। बिकॉज 2% जो जैंगो डेवलपर है इसको बहुत सारी एडवांस चीज़ें आती है, लाइक रैबिट एमक्यू हो गया, डॉकर हो गया और सेलरी हो गया, काफका हो गया, वेब सॉकेट्स हो गया, सेलरी बीट हो गया, रेडिस हो गया, इलास्टिक सर्च हो गया, डोमेन को कैसे डिप्लॉय करते हैं, सर्वर को कैसे डिप्लॉय करते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड अगर आपको ये सारी स्किल्स आ जाती हैं तो आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। बिकॉज आज की डेट में हर बंदे को क्रड ऑपरेशन आता है, हर बंदे को प्रोजेक्ट बनाना आते हैं, बट ये सारी जो चीज़ें हैं लाइक इलास्टिक सर्च, काफका, रैबिट एमक्यू, रेडिस एंड प्रोजेक्ट कैसे डिप्लॉय करते हैं, ये जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं ये अगर आप सीख लेते हो तो आप बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। तो आपको मेरे दो फ्लैगशिप या फिर तीन कोर्सेज हैं जिनको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जिनको काफका सीखना है वो जाकर के ये परचेज कर सकते हैं, 329 रुपीज़ का है। इसके अंदर आपको दो प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, पहला जैसे आप जोमैटो वगैरह में देखते होगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मेंशन करी है। ये एक जॉब रेडी का कोर्स है, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का भी एक स्पेसिफिक कोर्स है, उसको भी जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर हम लोग काफ़ी सारी एडवांस चीज़ें सीख रहे हैं, लाइक बेसिक्स ऑफ पाइथन से स्टार्ट करते करते हम लोग एडवांस ऑफ पाइथन से जा रहे हैं, उसके बाद में मॉडल्स, एग्रीगेट फंक्शन, सब क्वेरी, डेटाबेस को कैसे सेटअप करते हैं, प्रोजेक्ट्स हर आपको मिल जाएगी, फुल टेक्स्ट सर्च में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सर्च, सर्च वेक्टर, सर्च रैंक, उसके बाद में मिडलवेयर कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, वेब स्क्रैपर आपको बनाना सिखाया है, इलास्टिक सर्च, सेलरी, रैबिट एमक्यू, जांगो के अंदर काफका कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, डॉकराइज कैसे कर सकते हैं, इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन आपकी करवा करके रखी है, जांगो चैनल्स और जांगो के एप्लीकेशन को कैसे आप टेस्ट कर सकते हो, लोकस्ट से
वो भी चीज़ें सिखाई हुई हैं जिसको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्स आपको मिल जाएगा एंड इतने कम प्राइस में आपको मिल रहा है। उसके साथ साथ में आप DJ काफका करके कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको यू कैन से 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। सो आई होप आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको एक प्रो जांगो डेवलपर बनना है तो जाकर के इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ काफका वगैरह सीखना है तो भी आप जाकर के इस वाले कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स गो इन द लॉजिक पार्ट। सो जो ये लॉजिक हम गेट वाले में यहाँ पे कर रहे थे, सेम वो लॉजिक को हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ओके नाउ जो हम गेट वाले जो डेटा कॉल कर रहे थे वो यहाँ पे हमारे पास में कॉल हो जाएगा, जैसे हम लोग गेट वाले को कॉल करने वाले हैं। ओके सो डेटा हो गया हमारे पास में, डेटा ये दोनों हमारे पास में डेटा आ गया। अब नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम यहाँ पे पोस्ट वाली API को ट्रिगर करने वाले हैं। तो देखो पोस्ट API में हमारे पास में डेटा आना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी बता करके रख चुका हूँ आपको सीरियलाइजर क्या होता है, तो सीरियलाइजर को यूज़ करने वाले हैं। अब उससे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग अपने फ्रंट एंड से डेटा को मंगवा सकते हैं। जैसे ये आपका क्लाइंट है, ये आपका सर्वर है, इसको कुछ डेटा लाइक मान लेते हैं इस सर्वर को भेजना है, तो कैसे भेजेगा? ये तो भेज देगा भाई, यहाँ से कैसे भेजने वाला है? ये पोस्टमैन में जाएगा एंड यहाँ पे ये पोस्ट मेथड कॉल करेगा, एक रेप्लिका बना रहे हैं। यहाँ पे आप रॉ सेलेक्ट कर सकते हो, रॉ सेलेक्ट करने के बाद में JSON, उसके बाद में यहाँ पे मान लेते हैं कुछ ये कुछ डेटा भेजना चाहता है, मान लेते हैं टाइटल भेजना चाहता है, तो टाइटल उसके बाद में यू कैन से बाइड वेजिटेबल करके इसको ये भेजना है। ठीक है, ये डेटा इसको मान लेते हैं भेजना है। अब ये डेटा हमारे बैकएंड में कैसे आएगा? बैकएंड के अंदर एक मेथड यू कैन से एक चीज़ होती है जिसके जरिए हम लोग डेटा बुलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज रिक्वेस्ट डॉट डेटा। रिक्वेस्ट डॉट डेटा आपका क्या करता है, जो भी आप चीज़ें यहाँ पे पास कर रहे हो इस पोस्टमैन में या फिर आप अपने रिएक्ट एप्लीकेशन या फिर एंड्रॉइड एप्लीकेशन में जो भी चीज़ मेंशन करवाने वाले हो यहाँ पे, मतलब जैसे भी आप पोस्ट करवाने वाले हो, वो चीज़ें जो हैं वो रिक्वेस्ट डॉट डेटा के जरिए यहाँ पे आ जाती हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा क्या प्रिंट ऑफ डेटा, जैसे ही मैं प्रिंट ऑफ डेटा करने वाला हूँ एंड अगेन यहाँ पे जाकर के हिट करूँगा एंड इसको मैं यहाँ पे देखूंगा, तो देखो यहाँ पे टाइटल आ रहा है। अगर इसके अंदर मैं कुछ और चीज़ों को ऐड करने वाला हूँ, जस्ट लाइक लेट्स से मैं यहाँ पे जैसे ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, लाइक मान लेते हैं इसके अंदर अमाउंट शायद है ना, तो अमाउंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अमाउंट जा करके मेंशन करता हूँ, बाइड मिल्क मैंने मान लेते हैं 300 रुपये का दूध खरीद लिया, वेजिटेबल खरीद ली सॉरी एंड, तो जैसे ही मैं इसको करने वाला हूँ तो यहाँ पे वो चीज़ भी आ जाएंगी, टाइटल आ गया, अमाउंट आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग डेटा को अपने फ्रंट एंड से बैक एंड में मंगवा सकते हैं। अब वही सेम सीरियलाइजर का हम लोग यूज करने वाले हैं। सीरियलाइजर का आपको काम समझ में आया था कि क्वेरी सेट को ये JSON में कन्वर्ट करके एंड JSON को डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। ओके सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम यहाँ पे लिखेंगे क्या सीरियलाइजर एंड अगेन हम वही सेम सीरियलाइजर को कॉल करने वाले हैं, ट्रांजेक्शन सीरियलाइजर को। इसके अंदर हम पास कर देंगे डेटा इज इक्वल टू व्हाट डेटा, ये डेटा इसके अंदर पहुंच गया ऑटोमेटिकली। अब जब भी हमें डेटा को सेव करना होता है उससे पहले एक मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड इज वैलिड। इज वैलिड मेथड हमें कॉल करना पड़ता है, इफ लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं इफ नॉट सीरियलाइजर डॉट इज वैलिड तो हम रिटर्न करवा देंगे रेस्पॉन्स मैसेज में यू कैन से डेटा नॉट सेव्ड एंड उसके बाद में हम यहाँ पे एरर्स रिटर्न करवा देंगे कि आपकी एरर्स आई है, किस वजह से आपका डेटा नहीं, अभी आपको समझा भी रहा हूँ कि क्या चीज़ें हम लोग कर रहे हैं एरर्स। ओके उसके बाद में ये चीज़ें हो गई। तो अभी देखो क्या होता है, जैसे ही आप सीरियलाइजर मतलब आपको डेटा सेव करना होता है, डेटा डेटाबेस के अंदर डायरेक्टली आप नहीं डाल सकते हो, उसके बीच में एक कंडीशन होती है, पहले आपको इस वैलिड मेथड को कॉल करवाना होता है, मतलब सीरियलाइजर डॉट इज वैलिड। जब आपका डेटा वैलिड होगा तभी आपका डेटा डेटाबेस के अंदर जाएगा, इसको ध्यान से समझो है ना। जैसे अब मान लेते हैं इसको मैंने डिलीट कर दिया, ओके मान लेते हैं ये आपका एक क्लाइंट है, ठीक है ये क्लाइंट है, इसको कुछ डेटा यहाँ से सर्वर में भेजना है। ओके इस सर्वर में डेटा तो चला जाएगा लेकिन ये सर्वर के अंदर डेटाबेस में ये तभी जाएगा जब आप इज वैलिड कॉल करोगे। इज वैलिड पहले चेक कर लेगा कि ये डेटा जो है वो आपका जो भी इसने डेटा भेजा है हम कैसे ट्रस्ट कर ले ये सही बंदा है, मान लेते कोई गलत बंदा है, मान लेते इसको कुछ पता नहीं है तो ये गलत भी डेटा भेज सकता है, तो भाई तो हम क्या करेंगे पहले चेक करेंगे इज वैलिड मेथड, अगर ये डेटा वैलिड होगा मतलब सही डेटा होगा तब ये हम लोग डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर देंगे, अदरवाइज इसको यहाँ पर रिटर्न कर देंगे कि भाई अपना पहले डेटा सही करके लाओ तब हमसे बात करना,
फर्जी मत बात करो, जब डेटा सही करके ले आओगे तब हम बात करोगे। तो सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी है कि आप यहाँ पे इस वैलिड कॉल कर दिया, अगर डेटा नहीं सेव हुआ तो हमने एरर दिखा दिया। अब डेटा कैसे नहीं सेव होगा, अगर मैंने यहाँ पे कॉल किया तो देखो एरर दे दिया कि नहीं। एरर क्या है, ट्रांजैक्शन जो टाइप फील्ड है ये रिक्वायर्ड है, इसको आप नहीं भेज सकते, मतलब इसको आपको भेजना ही पड़ेगा। और अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे अगड़म बगड़म लिख देता हूँ, क्योंकि भाई हो सकता है कि ये गलत बंदा है, कुछ हमारे एप्लीकेशन के साथ में कुछ छिड़खानी करना चाहता है, तो मैं सेव करूँगा तो क्या देखा, अमाउंट इज़ अ वैलिड नंबर। एंड ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ रही है, मतलब मैंने यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं लिखा है, सब कुछ सीरियलाइजर ऑटोमेटिकली समझ रहा है। कैसे, क्योंकि ये आपका मॉडल और सीरियलाइजर ऑटोमेटिकली लिंक्ड हो जाते हैं। एंड जो भी चीज़ें, जैसे इसके अंदर फ्लोट फील्ड है, तो एक इसने ऑटोमेटिकली एक चेक लगा दिया कि आप इसके अंदर इंटीजर वैल्यू या फिर फ्लोट वैल्यू डाल पाओगे ना। अगर आप यहाँ पे ए बी सी डी डालोगे तो भाई ए बी सी डी कहीं फ्लोट वैल्यू डेफिनेटली नॉट, इस वजह से ये एक एरर रिटर्न कर रहा है। तो अगर हमारे पास में सारा डेटा सही हो जाएगा तो हम कॉल करेंगे सीरियलाइजर डॉट सेव, उसके बाद में यहाँ पे मैसेज रिटर्न करेंगे डेटा सेव्ड, और उसके बाद में हम यहाँ पे डेटा रिटर्न करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ इसके सीरियलाइजर डॉट डेटा, सीरियलाइजर डॉट डेटा। नाउ लेट्स ट्राई दिस। अब हम मानते हैं यहाँ पे हमने एकदम सही से डेटा भेज दिया, मतलब हमने कुछ वेजिटेबल खरीदी, मान लेते हैं 450.36 पैसे की हमने वेजिटेबल खरीदी। एंड ये ट्रांजैक्शन टाइप जो है, ट्रांजैक्शन अंडरस्कोर टाइप में क्या आएगा, ये डेबिट का ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो जैसे मैंने डेबिट भेजा तो देखो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। अब अगर मैं गेट वाले में जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे तीन रिकॉर्ड मिलेंगे, पहला क्या हो गया आपका 5000, दूसरा 600 और ये 450 का जो हमने क्रिएट किया। इसको हम क्या कर देंगे, ऑर्डर बाय कर देंगे, ऑर्डर बाय माइनस ऑफ पी के। तो ये क्या करेगा, मतलब जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है उसको ये पहले दिखाएगा, जो बाद वाले रिकॉर्ड है उनको ये बाद में दिखाएगा, ओके। तो देखो क्या करें, बाय वेजिटेबल ये करके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड अगेन अगर हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे अगर हम कुछ और गलत वैल्यू डालेंगे तो ये भी चेक रिटर्न कर देगा कि भाई जी एस एंड एच एन एक वैलिड चॉइस नहीं, यहाँ पे सिर्फ वो सिर्फ क्रेडिट एंड डेबिट को ही भेज सकते हो, ओके। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। सो ये हो गया। अब मान लेते हैं हम यहाँ पे अपडेट वाली मेथड को देखने वाले हैं, अपडेट को कैसे हम करवा सकते हैं। तो अपडेट के लिए हमारे पास में सेम यही चीज़ होती है, एंड पुट मैं आपको पैच मेथड बताऊँगा, पुट आपको खुद से समझना पड़ेगा। आप पहले समझ लेते हैं पुट और पैच में डिफरेंस क्या होता है, ओके। ऑल्सो अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा हो, इससे ज़्यादा अच्छी टीचिंग स्टाइल मैंने इस कोर्स के अंदर बनाई हुई है, तो जाकर के आप इसको चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड यू कैन से डीजे काफका करके कूपन कोड है जिसको भी आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। आप लिटरली इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, लाइक काफका, इलास्टिक सर्च, अगर ये सारी चीज़ें आप सीख लेते हो ना, आपका लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, एंड आपको कोई भी कंपनी ईजिली हायर कर देगी। एंड ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं काफका के, अगर आप एक बैक एंड डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, लाइक इलास्टिक सर्च, डॉकर, काफका, रैपिड एमक्यू, सैलरी, रेडिस, तो उन सब चीज़ों को सीख लोगे तो बहुत मज़ा आएगा, ओके। नाउ हम सीखने वाले हैं पुट और पैच में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो एक होता है हमारे पास में पुट, एक होता है हमारे पास में पैच। तो पुट जो है वो आपका पूरा डेटा एक्सेप्ट करेगा और पैच जो है वो आपका पार्शियल डेटा एक्सेप्ट करेगा। सो पार्शियल का मतलब क्या हो गया, पुट जैसे हमारे पास में अभी तीन फील्ड हैं, पहली फील्ड जो है हमारी क्या है, टाइटल, दूसरी अमाउंट है, तीसरी हमारी ट्रांजैक्शन टाइप है। अरे ऐसे समझ, स्पेलिंग का ध्यान दो, ये तीनों चीज़ें हमारे पास में। अब अगर मुझको कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास में एक रिकॉर्ड ऑलरेडी पड़ा है जिसकी आईडी है 1 एंड अमाउंट है मान लेते हैं 500 और ट्रांजैक्शन टाइटल में है मान लेते हैं फ्रीलांसिंग करके है, ठीक है, ये एक हमारे पास में डेटा पड़ा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, गलती से मैंने इसमें 500 डाल दिया, मुझको यहाँ पे 5000 करना है। तो अगर मैं पुट के जरिए अपडेट करने वाला हूँ तो मुझको यहाँ पे आईडी भी भेजनी पड़ेगी, अमाउंट भी भेजना पड़ेगा, ये भी भेजना पड़ेगा, उसके बाद में ट्रांजैक्शन टाइप, मतलब मुझको यहाँ पे सारा का सारा डेटा भेजना पड़ेगा, ठीक है। पुट में क्या होता है, आपको सारा डेटा भेजना पड़ता है। पैच में डिफरेंस क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास सेम रिकॉर्ड है, अब मुझको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट को चेंज करना है, बाकी तो कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि भाई ना तो हमें ट्रांजैक्शन टाइप चेंज करना है, ना तो हमें यू कैन से इसके अंदर कुछ और टाइटल चेंज करना है, सिर्फ हमें चेंज क्या करना है, दिस चेंज करना है, 500 रुपये को 5000 करना है। तो पैच आपसे क्या करेगा, पार्शियल अपडेट अलाउ करेगा, मतलब आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आईडी भेज दो और अमाउंट भेज दो, बाकी चाहे भेजो ना भेजो आपका ये
ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। बट पुट के अंदर आपको हर एक फील्ड को भेजना पड़ेगा। अगर इसके अंदर 100 फील्ड है तो 100 की 100 फील्ड आप भेजोगे इसके अंदर, तब जाकर के डेटा अपडेट करेगा, अदरवाइज ये एरर आपको रिटर्न कर देगा। वहीं पैच रिक्वेस्ट क्या होती है, आपकी सिर्फ और सिर्फ 100 रिकॉर्ड में से अगर आपको 3 फील्ड अपडेट करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ वो 3 फील्ड भेजो, बाकी फील्ड मत भेजो, तब भी आपका अपडेट काम करने वाला है। तो ये पुट और पैच में डिफरेंस होता है। डेफिनेटली इस पर बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज क्वेश्चन पूछते हैं तो इसको आप समझ लेना। तो पुट और पैच में डिफरेंस क्या होता है, ये पुट आपका पार्शियल एडिट सपोर्ट नहीं करता, बट पैच आपका पार्शियल एडिट सपोर्ट करता है। बहुत बढ़िया चीज़ डिफरेंस बताया, एंड सेम ऐसे एग्जांपल्स मैंने इस वाले कोर्स के अंदर भी बताए जिसको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस पैच। सो पैच में हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगी, एक आईडी चाहिए होगा इस डॉट डेटा, एंड उसके बाद में मेरे को यहाँ पे एक आईडी चाहिए होगी। तो मैं पहले तो आईडी चेक कर लूँ ले लूँगा। तो पहले तो चेक करूँगा इफ डेटा डॉट गेट आईडी, अगर आईडी इसमें नहीं है तो मैं क्या रिटर्न करवा दूँगा इसको, यहाँ से एरर रिटर्न करवा दूँगा कि भाई पहले आईडी तो लेकर के आओ, पहले कहाँ से तुम बिना आईडी के कैसे अपडेट करवा सकते हो। ओके आईडी इज रिक्वायर्ड डेटा नॉट अपडेटेड करके। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमारे पास में आईडी आ गई, अब हम वो ट्रांजैक्शंस लेकर के आएंगे। सो ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू व्हाट, ट्रांजैक्शंस डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट आईडी इज इक्वल टू व्हाट आईडी, एंड नाउ हमारे पास में डेटा सीरियलाइजर है, सीरियलाइजर इज इक्वल टू व्हाट ट्रांजैक्शन सीरियलाइजर। इसके बाद में हम लोग इसके अंदर क्या पास करने वाले हैं, डेटा इज इक्वल टू डेटा, उसके बाद में ये ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, एंड यहाँ पे लिख देंगे क्या पार्शियल इज इक्वल टू ट्रू। तो ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पे करनी पड़ती हैं, इसको हम लोग पहले ही पास करेंगे। ठीक है, ये होता है, ये इसके अंदर एक तरीका होता है अपडेट करने का। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन सीरियलाइजर के अंदर पहले वो ऑब्जेक्ट पास कर देंगे जिसको हमें अपडेट करना है। जैसे हमें ये वाला ऑब्जेक्ट अपडेट करना है तो इस वाले ऑब्जेक्ट को हमने डाल दिया, आईडी की जगह पे हम लोग यहाँ पे डेटा डॉट गेट आईडी करेंगे, मतलब देगा। तो आपको यहाँ पे समझना है क्या करना है, हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन सीरियलाइजर क्रिएट किया, इसके बाद में हम लोगों ने इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट जिसको भी हमें अपडेट करना है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद में मैंने यहाँ पे डेटा डाल दिया, फिर पार्शियल इज इक्वल टू ट्रू कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सेव करने का ट्राई करेंगे। सेम उसी तरीके से इस वैलिड मेथड आपको कॉल करना ज़रूरी है, कभी भी आप अपडेट या फिर पोस्ट करोगे या नया रिकॉर्ड क्रिएट करोगे तो कभी भी आपको यहाँ पे क्रिएट वो चीज़ करनी पड़ेगी। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम यहाँ पे ट्राई करते हैं इसको अपडेट करने का, पैच करने का। सो अब हम यहाँ पे चलते हैं API/transactions, एंड इसको एक नए उसमें खोलते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा पैच। तो मान लेते हैं मेरे को इस वाले रिकॉर्ड को अपडेट करना है, फर्स्ट वाले को, यहाँ पे मैंने 5000 की जगह पे 500 कमाए थे, अब मैं ट्राई करता हूँ इसको अपडेट करने का। तो अगर मैं बिना आईडी के इसको भेजूँगा तो ये मेरे को एरर दे देगा कि आईडी इज़ रिक्वायर्ड। पैच में एरर क्या आ गई, ट्रांजैक्शन मैचिंग क्वेरी, ओके सॉरी यहाँ पे इफ़ नॉट होगा। तो अब मैं इसको पुश करूँगा तो यहाँ पे दे देगा डेटा नॉट अपडेटेड आईडी इज़ रिक्वायर्ड। तो मैं यहाँ पे आईडी लेकर के आऊँगा, तो आईडी मेरे पास में है 1, उसके बाद में इसमें अमाउंट चेंज करने का ट्राई करूँगा। सो अमाउंट यहाँ पे लिखूँगा क्या 5 रुपये, मान लेते हैं मेरी अर्निंग हुई है, तो मैं इसको पुश करूँगा तो देखो यहाँ पे 5 अपडेट हो गया कि नहीं। अब अगर मेरे को यहाँ पे 5000 करना है तो मैं यहाँ पे 5000 कर दूँगा, उसके बाद में अगर ट्रांजैक्शन टाइप मेरे को अगर मॉडिफाई करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डेबिट एंड ट्रांजैक्शन टाइप हो गया, और आप अमाउंट चाहो तो हटा सकते हो। जैसे ही मैं इसको करूँगा तो ये नेगेटिव हो गया कि नहीं ऑटोमेटिकली, मतलब मेरे को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फील्ड अपडेट करनी थी। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे टाइटल भी भेज सकता हूँ, तो मुझको जो भी फील्ड मेरे को अपडेट, अगर मेरे को सारी फील्ड अपडेट करनी है तो मैं यहाँ पे सारी भेज सकता हूँ, अगर मेरे को सिर्फ एक फील्ड अपडेट करनी है तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही एक फील्ड को अपडेट करने वाला हूँ। तो टाइटल हो गया, टाइटल मैं क्या पास करना चाहता हूँ, फ्री लांसिंग प्रोजेक्ट करके मैंने को पास कर दिया, तो ये अपडेट हो गया। एंड अगर मैं यहाँ पे जाकर के गेट करूँगा तो हर जगह देखो वही अपडेट हो गया, अगर मैं 2 पे जाकर के मिल की जगह पे कुछ और करूँगा तो वो चीज़ें भी काम करने वाली है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम पैच कैसे करवा सकते हैं। पुट आपको करना है अपने दिमाग लगा कर कि कैसे कर सकते हो, आप कर लोगे मेरे को भरोसा नहीं होता है, तो आप बताना मेरे को कमेंट करके, नेक्स्ट वाली वीडियो में उसको भी बता दूंगा। अब हम डिलीट पे चलते हैं, तो डिलीट इज़ वेरी सिंपल, लाइक सेम इसी तरीके का कोड है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो पहले तो एग्जैक्टली इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे चलते हैं
उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या डिलीट, उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट डेटा आई डी लेकर के नहीं आए, तो यहाँ पे हम ट्रांजैक्शंस इसका कोई काम नहीं है। एंड यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे मेरे पास में ऑब्जेक्ट आ गया तो मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँगा, एंड डेटा डिलीटेड, जब रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो यहाँ पे डेटा भी नहीं बचेगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। ओके सो अब चलते हैं डिलीट वाले पे, तो API/transactions यहाँ पे हम लोग डिलीट रिक्वेस्ट भेजते हैं और आईडी हम इसमें डालते हैं क्या 1। जैसे मैंने यहाँ पे 1 रिकॉर्ड पुश किया तो डेटा डिलीट हो गया, यहाँ पे जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली देखो क्या हो गया, सब गायब हो गया कि नहीं 1 वाला। और यहाँ पे चाहो तो आप एग्रीगेट भी कॉल करवा सकते हो, मतलब टोटल समरी, जैसे मैं यहाँ पे टोटल कर रहा हूँ ना, सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे टोटल भी टोटल लिखवा देता हूँ। सो टोटल करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्वेरी सेट डॉट एग्रीगेट एंड सम को बुला लेते हैं फ्रॉम जांगो डॉट डी बी डॉट मॉडल्स, लेट्स इम्पोर्ट वॉट सम, एंड यहाँ पे एग्रीगेट करने के बाद में टोटल इज इक्वल टू सम, सम हमें किसका करना है अमाउंट का, ओके ऑफ टोटल और ज़ीरो, ठीक है। तो हमने एग्रीगेट कर दिया, मतलब जितना भी हमारे पास में अमाउंट आता सबको हमने एग्रीगेट कर दिया डेटा में। गेट ट्रांजेक्शन तो नहीं आएगा, गेट ट्रांजेक्शन में भी इसको मेंशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चलते हैं सेम कोड इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर देते हैं, तो ये टोटल हमारे पास में आ गया। तो इसका टोटल देखोगे तो नेगेटिव में हम, मतलब 1500 रुपये हम घाटे में चल रहे हैं ओवरऑल चलेंगे। तो क्या करता हूँ मैं एक रिकॉर्ड और, क्योंकि कभी भी घाटे में नहीं रहना चाहिए, तो फ्रीलांसर यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने एक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट किया एंड उससे हमने एक अर्न किया है 4500 रुपये का वो, और इसमें लिख देंगे क्या क्रेडिट। और इसको जब सेव करूँगा तो देखो यहाँ पे क्रेडिट हो गया, तो इसका जो अमाउंट है वो इतने रुपये हम प्रॉफिट में है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो एग्रीगेट अब नहीं पता तो अगेन बताता हूँ, तो वैसे मैं एग्रीगेट वगैरह सब कुछ इसमें बताया हुआ हूँ, आप इसको जाकर के चेकआउट कर सकते हो, इस कोर्स में बहुत बढ़िया लेवल की चीज़ें हैं। एंड इसके अंदर आपको रेस्ट फ्रेमवर्क की भी वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर आप जिस टाइम पे ये देख रहे हो उस टाइम पे हो सकता है कि नया एक कोर्स भी मिल जाए आपको, तो दोनों चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। बट दिस कोर्स इज लिटरली ऑसम, आप इसको चेक करोगे सच में, आप इसके अंदर जाओगे ना तो बहुत चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी। मैंने लाइक जान लगा दी इस कोर्स को बनाने के अंदर, जो भी मैंने इन सालों में सीखा है सब चीज़ें इन इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर निचोड़ दी हैं। एंड ऑल्सो दिस कोर्स इज नॉट लिमिटेड कि यहाँ पे इतनी वीडियोस पढ़ गई तो काम खत्म, नेक्स्ट डे बाय डे जो भी चीज़ें होंगी नई नई वीडियोस इसके अंदर आती जाएंगी। एंड नाउ मैं सोच रहा हूँ कि जांगो के साथ में ग्राफक्यूएल कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो सारी भी वीडियोस इसके अंदर आएंगी, तो आप जाकर के इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो डेफिनेटली। ओके नाउ, या फिर आप किसी और को भी रिकमेंड कर सकते हो जिसको चाहिए। तो हमने यहाँ पे एग्रीगेट में क्या किया, क्वेरी डॉट एग्रीगेट आपको पता होगा, तो क्या किया क्वेरी सेट ऑलरेडी हमारे पास में था, तो एग्रीगेट हमने कॉल कर दिया एंड एग्रीगेट जो है वो एक डिक्ट रिटर्न करता है। तो डिक्ट क्या रिटर्न करेगा, ये की जो हमने यहाँ पे मेंशन करी हुई है उसको मैंने यहाँ पे टोटल की निकाल करके 0 रिटर्न करवा दिया, तो ये हमारे पास में है। आप चाहो तो इसको राउंड भी कर सकते हो, दैट इज़ मोर गुड, अगर आप चाहो तो इसको राउंड करना, तो यहाँ पे हम राउंड भी कर लेते हैं, तो फ्लाउ 2 तक का राउंड कर लेंगे, तो ये 2 ही डेसिमल तक देने वाला है, तो देखा 2 दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँगा तो ये 3 के पॉइंट तक देगा, ठीक है। ये क्या हो गया, कोई नहीं, चलो उसको आप चेक कर लेना, ठीक है, कि क्या इशू था। ओके सो नाउ आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करवा पा सकते हैं क्रिएट रीड अपडेट डिलीट API के थ्रू। एंड पोस्ट वाली API, पुट वाली API ज़रूर कॉल करना, एंड इसका कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। एंड डेफिनेटली अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो आप परचेज कर सकते हो, अगर आपको कोई और रेस्ट फ्रेमवर्क में वीडियो चाहिए तो उसको भी मेंशन करना डेफिनेटली नॉट भूलना। एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग बहुत ही बड़े बड़े कंटेंट डालते रहते हैं, इंस्टाग्राम अभिजीत गुप्ता करके, इस पे भी आपको कई सारा कंटेंट मिल जाएगा जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड रियली थैंक यू।